दोस्तों आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बोया माइक की। हमने ये फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था और ये हमारे पास आज ही डिलीवर हुआ है। हमने फ्लिपकार्ट के रैपिंग से तो इसको खोल दिया है और आज हम इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो ये इस तरीके की सिंपल सी कवर में आता है, ये काफ़ी अच्छा है देखने में। और ये इसके फीचर्स है कि आप इसको कैमरा में भी यूज कर सकते हैं और मोबाइल के साथ भी अटैच होता है। कुछ ऐसे खोलोगे आप, इसके साथ मैनुअल आएगा एक ये ऐसा, और ऐसे पोटली में अलग से अच्छे से कवर में आता है ये। इसको साइड रखते हैं और हम इसको खोलते हैं। तो आप इस पोटली में खोलेंगे तो आपको इसके साथ मिलेगा एक ये पूरा वायर, क्योंकि तो वायर काफ़ी लंबी है, आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये जो है कैमरे के साथ यूज करने का है, आप कैमरे में इसको अटैच करें, फेस की पिन को अटैच कर सकते हैं। और ये दूसरा वो है जो कि मॉइस्चर से बचाता है, और इसका ये पॉप अप फिल्टर टाइप का है कुछ नॉइज रिड्यूस करने के लिए, ये है। और इसके अंदर एक बैटरी होती है, इस बैटरी को आप माइक का जो एक कनेक्टर दिखाई दे रहा है उसमें आप उसको डालते हैं। इसको देखते हैं, इसकी वायर काफ़ी लंबी है और जो माइक की क्वालिटी भी वो भी काफ़ी अच्छी है, मजबूत दिख रही है। आप इसको क्लिप के साथ अटैच कर सकते हैं अपने कॉलर में भी, आप जैसे न्यूज़ एंकर उसको देखते हैं ऐसे इंटरव्यू ले जाते हैं तो उसमें आप इसको कर सकते हैं। ये फिल्टर इसके ऊपर लगाएंगे पॉपअप, जो कि नॉइज को रिड्यूस करता है। आप इसको कैमरे के साथ भी अटैच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पिन, एंड इसको मोबाइल के साथ भी अटैच कर सकते हैं ऐसे। इसकी प्राइस की बात करें तो काफ़ी रिजनेबल प्राइस है, ये आपके पॉकेट के हिसाब से आ जाएगा। ये कम दाम में अच्छा माइक है एकदम, अगर कैमरे से रिकॉर्डिंग करते हैं उसके लिए स्विच ऊपर है और मोबाइल से कर रहे उसके इसी पीछे कर रहे। इसके अंदर आपको ये सेल डालना पड़ता है जो कि आपको मिलता। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।